आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश सचदेवा सर। आप दिल्ली के जाने माने डेंटिस्ट हैं, इतने वर्षों से आप इस प्रोफेशन में हैं सर, अपने बारे में कुछ बताएं। दिल्ली के अंदर जो है हमारा लास्ट 53 ईयर्स से हम दिल्ली में इस गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य जो है कोई पैसा कमाने का नहीं था, अगर ऐसा होता तो हम लोग बहुत पैसा कमाते। मेरे फादर जो हैं वो उन्होंने ही ये स्टार्ट किया था, डॉक्टर जसवंत राय सचदेवा जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका उद्देश्य ही यही था। वो पाकिस्तान से जब आए थे तो यही उन्होंने सोचा था कि हम गरीबों की सेवा करेंगे, तो उसी सीरीज़ को ही हम आगे बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। और मेरे को भी इस काम को करते हुए 30 साल हो चुके हैं, मेरे बच्चे भी डॉक्टर हैं और वो भी MDS हैं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि कम पैसे के अंदर अच्छे से अच्छा और बेहतर इलाज देना। सर आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं अपने फादर को देना चाहूँगा जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करके इस प्रोफेशन को खड़ा किया, और साथ में जो है अपनी फैमिली को दूंगा मैं कि जिन्होंने पूरी सपोर्ट करी मेरे को, और मैं पब्लिक की सपोर्ट के ऊपर भी करूंगा कि जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मेरे से ट्रीटमेंट करवाया। सर आपको दिल्ली गौरव अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, आप कैसा फील कर रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि आपके माध्यम के द्वारा कि मेरे को नॉमिनेट किया गया है। और मैं यही कहूँगा कि चाहे मैं इसमें सीरीज़ के अंदर आऊँ या ना आऊँ आपके इसमें, लेकिन मेरा आपके लिए हर वक्त यही वो रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूं और मैं आपके साथ पब्लिक की सेवा करूंगा, गरीबों की सेवा करूंगा। हर वक्त मैं हर काम के लिए तैयार हूं।